सो गाइस, जैसे हम सब जानते हैं कि प्रो कबड्डी सीजन 9 7th अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे फाइनली सारे 12 टीम्स के जो जर्सीज हैं वो हमारे सामने आ चुके हैं। ठीक है, तो किस तरह का जर्सी है आपको मैं सारे टीम्स का बता देता हूँ, किस तरह का जर्सी रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो मैं यहाँ पे आपको सारे 12 टीम्स के जर्सीज बता देता हूँ, दिखा देता हूँ कैसा जर्सी उनका रहने वाला है प्रो कबड्डी सीजन 9 के लिए। तो चलिए, तो गाइस सबसे पहली टीम की तरफ बढ़ते, तो मैं आपको सारे टीम्स का जर्सीज दिखाता हूँ। तो बिल्कुल ऑर्डर वाइज चलेंगे, ठीक है, मैं जैसे भी दिखा देता हूँ। सबसे पहली टीम आप देख सकते हो वो पटना पायरेट्स है। यहाँ पे आपको सचिन तनवर का पिक्चर दिख रहा है, कोई खास चेंजेस नहीं है। आप ऑफिशियल स्पॉन्सर देख सकते हो, 1xBet है, तो 1xBet यहाँ पे आपको उनका जर्सी में देखने को मिल जाएगा। कोई चेंजेस हमें पटना का कोई खास देखने को नहीं मिल रहा, ठीक है। लाइट ग्रीन का लाइट ग्रीन ही है, कलर में कोई फ़र्क नहीं है जर्सी में। अब दबंग दिल्ली के जर्सी में भी कोई फ़र्क नहीं है, आप देख सकते हो। जेके सुपर सीमेंट यहाँ पे ऑफिशियल स्पॉन्सर है दिल्ली के, और लास्ट ईयर भी जेके सुपर सीमेंट वाले ने ही यहाँ पे स्पॉन्सर किया था दिल्ली को, इस बार भी उनका यहाँ पे आपको जर्सी में देखने को मिल जाएगा। अब अगली टीम यहाँ पे आप देख सकते हो है पुनेरी पलटन की। यहाँ पे आपको पुनेरी पलटन का आप जर्सी देख सकते हो, यहाँ पे आपको फजल अतराजरी देखने को मिल रहे होंगे, तो ऐसा कुछ जर्सी रहने वाला। तो यहाँ पे भी कोई बदलाव नहीं है, पुनेरी पलटन का एज यूजुअल जर्सी रहता है जैसे लगातार देखने को मिल रहा है। अगली टीम आप देख सकते हो यहाँ पे है जयपुर पिंक पैंथर्स की। यहाँ पे आपको राहुल चौधरी देखने को मिल रहे होंगे, और जयपुर का जर्सी में भी कोई खास चेंजेस नहीं है। शायद मेरे हिसाब से जो स्पॉन्सर है उसमें चेंजेस आया है, वरना कोई खास चेंजेस नहीं है। कलर टेक्सचर सब कुछ एक सेम ही है जैसे पिंक जयपुर का रहता है, ठीक है। अगली टीम यहाँ पे बंगाल वॉरियर्स है। इस जर्सी में कोई चेंजेस नहीं है, स्काई ब्लू और थोड़ा सा जो कॉलर है उसमें ऑरेंज, और ये पहले से बंगाल का यही जर्सी चल रहा है कुछ सीजन से, तो इसमें भी कोई चेंजेस देखने को नहीं मिला है। अगली टीम मैं आपको बता दूं, अगली टीम यहाँ पे गुजरात जायंट्स है। यहाँ पे जर्सी में चेंज आया है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये जो वाइट कलर का जो स्ट्रिप बना हुआ है लोगों के नीचे वो पहले नहीं था जहाँ तक मुझे पता है, ये अभी हल्का सा चेंजेस यहाँ पे गुजरात जायंट्स के जर्सी पे देखने को मिला है, ठीक है। अगली टीम यहाँ पे आप देख सकते हो यू मुंबा की है। यहाँ पे ऑफिशियल स्पॉन्सर में चेंजेस है, आप देख सकते हो पर ही मैच लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ऑफिशियल स्पॉन्सर में चेंज है। लास्ट ईयर कोई और ही स्पॉन्सर थे यू मुंबा के जर्सी में देखने को मिलता था, बस उसमें चेंजेस है, वरना कलर तो सेम ही है। अब यहाँ पे अगली टीम देख सकते हो बेंगलुरु बुल्स की है। इस जर्सी में भी कोई खास चेंजेस नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे ब्लैक स्ट्रिपिंग तो बेंगलोर का पहले भी था, कुछ कुछ मैचेस में देखते थे हम। विकास खंडोला का पिक्चर नज़र आ रहा होगा। बेंगलोर वैसे अपना जर्सी ज़्यादा चेंज नहीं करता है, हल्का सा कभी कभार दो जर्सीज के साथ खेलता है सीजन। अब तमिल थलाइवास का जर्सी देख लो, इसमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे आपको पवन सेरावत का पिक्चर देखने को मिल रहा होगा नए जर्सी में। ऑफिशियल स्पॉन्सर का कुछ चेंजेस आया है और जर्सी भी यहाँ पे थोड़ा चेंज होता हुआ दिखा है, आप साफ देख सकते हो। स्काई ब्लू रहता था, अब येलो है। पहले येलो भी कुछ इनिशियल मैचेस में देखने को मिलता था, लेकिन जो पिक्चर मैंने शो किया है अभी पवन सेरावत का, ये लेटेस्ट जर्सी का फोटो क्लिक हुआ हुआ पिक्चर मैंने दिखाया है, तो कुछ ऐसा जर्सी देखने को मिलेगा तमिल थलाइवास का प्रो कबड्डी सीजन 9 में। अब गाइस बढ़ते अगली टीम के बारे में जो तेलुगु टाइटन्स है। यहाँ आप देख सकते हो विशाल भरद्वाज का पिक्चर देखने को मिल रहा होगा, तो कुछ ऐसा जर्सी देखने को मिलेगा तेलुगु का ऐसे कुछ मैचेस में देखने को मिलेगा। तो इसमें भी कोई चेंजेस तो उतना नज़र नहीं आ रहा, थोड़ा ब्लैक स्ट्रिपिंग ज़्यादा रख दिया है, वरना तो कुछ एज यूजुअली कह सकते हैं हम। अब हरियाणा स्टीलर्स का यहाँ पे चेंजेस है, ऑफिशियल स्पॉन्सर में JSW इस बार है। पहले केंट हुआ करता था जब मुझे याद है, केंट मिनरल वाला, इस बार JSW यहाँ पे ऑफिशियल स्पॉन्सर है हरियाणा के जर्सी में, उनका आपको देखने को मिल रहा होगा। अगली टीम के बारे में बड़े गाइस, तो अगली टीम यहाँ पे है यूपी योद्धास की। ये जर्सी बिल्कुल चेंज हो चुका है, आप देख सकते हो यहाँ पे आपको प्रदीप नरवाल नज़र आ रहे होंगे, और जर्सी बिल्कुल पूरी तरीके से किसी का चेंज हुआ है, तो यूपी योद्धा तामिल वगैरह का है, यूपी योद्धा का तो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है, ठीक है। आपने पिक्चर देख ही लिया होगा, तो ये यहाँ पे सारे 12 टीम्स की जर्सी के इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया, जर्सी बता दिया कि हिसाब से देखने को मिलेगा। इस वीडियो में गाइज इतना ही, इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करना चाहूँगा। अब आगे से आप ढेर सारे प्रो कबड्डी सीज़न 9 पे अपडेट्स देखने को मिलेगा, वीडियोज़ रेगुलरली देखने को मिलेगा, और अब बहुत जल्दी जैसे मैचेस चालू होंगे उसके एक दो दिन पहले मैं प्रेडिक्शंस के वीडियोज़ डालना भी स्टार्ट कर दूंगा। चलिए गाइस, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए लेटेस्ट कबड्डी अपडेट्स के लिए, और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा।